ने चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ था। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन क्या है, तो हमने देखा था कि हम लोग जितने भी रिएक्शन स्टडी करेंगे वो कौन से रिएक्शन होंगे, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या थे कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास एक नई चीज़ बनती है जिसे हम लोग नाम देते हैं, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट रिकम्बाइंड होते हैं और हमें रिएक्टेंट देते हैं। इस कंडीशन को हम लोगों ने कहा था, इन रिएक्शन को हम लोगों ने कहा था कि ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में दो चीज़ें थी, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रहा था और एक रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो मूव कर रहा था। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रेट होगा रिवर्सिबल रिएक्शन का वो बिका इक्वल हो जाएगा, किसके रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे क्या है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, जब हमारे पास जब रेट क्या है, स्पीड रिएक्शन की जो स्पीड है वो फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ये क्या है, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग इसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट कर लेते हैं RF से और रिवर्स रिएक्शन को हम लोग डिनोट कर देते हैं RR से। देखिए जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो तब हम लोग कह देंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो इस्टेब्लिश हो गई है। अगर हम लोग बात करें, जनरल बात करते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं कंबाइन होके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा कि दोबारा जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट देंगे हमें, तो दोबारा क्या होगा, प्रोडक्ट रिकम्बाइन होंगे और हमें रिएक्टेंट दे देंगे। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगा तब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है ये इस्टेब्लिश कब होता है। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग अपने टाइम को ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग कंसंट्रेशन ले लेंगे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की। इनिशियल क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी नहीं बना होता, क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड करते हैं रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं कंबाइन करते हैं तब जाके हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं। इनिशियल स्टेट पे जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा थी, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, कंबाइन होना शुरू हुए हैं, तो हमें क्या देते जा रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट मिलना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जो है ये कंज्यूम हो रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें, ग्राफ ड्रा करें, तो ये जो लाइन होगी ये किसको डिनोट कर रही होगी, ये रिएक्टेंट को डिनोट कर रही होगी कि रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर रहे हैं। कि इनिशियल स्टेज पे क्या था, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो हमारे पास रिएक्टेंट थे वो बहुत ज़्यादा थे, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट थे, लेकिन जो जो जब रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ है, टाइम स्टार्ट है टी इक्वल टू टी हो गया, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हम कह देंगे कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो गई है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, और साथ ही हम लोग देखेंगे कि एक तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है, तो साथ में हमारे पास क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दो कंडीशन होगी, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फर्स्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब जो जो टाइम गुजरता जा रहा है, रिएक्शन प्रोसीड करता जा रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, टाइम के पैरेलल हो जाएगी, मीन के ये जो कर्व है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, टाइम एक्सिस की, तो तब हम लोग कह देंगे कि तब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल हो गई है, तो इस कंडीशन को हम लोग कह देंगे कि हमारे पास कौन सी कंडीशन इस्टेब्लिश होगी, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है ये पहुंच जाए। अब टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वो वाला टाइम जो हम लोग कह देते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजिशन तक पहुँचने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, उस टाइम को हम लोग नाम दे देंगे ये कौन सा टाइम है, ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देख लें, तो हमारे पास नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है।
नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करती है, कंबाइन करती है तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड लिया जिसका कलर था कलरलेस गैस थी हमारे पास। तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि इसको क्लोज कंटेनर में रख दिया, और क्लोज कंटेनर में इसे हम लोगों ने रखा हुआ था और टेम्परेचर हम लोगों ने इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड किया। तो कुछ देर बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड तो कलरलेस थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास गैस है लेकिन उसका कलर क्या है, उसका रेडिश ब्राउन कलर है। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये जो है ये जो जब हमने इसकी डिकम्पोजिशन करवाई तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बन गई, मीन जिसका कलर हमारे पास रेडिश ब्राउन था। तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ये रेडिश ब्राउन कलर भी किस में कन्वर्ट हो गया, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम ये रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन टू स्टेप पे कन्वर्ट होगा। जब हमने इसकी डिकम्पोजिशन करवाई मीन ये कलरलेस थी, जब हम लोगों ने इसकी डिकम्पोजिशन करवाई तो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर आ गया। अब रेडिश ब्राउन कलर क्या हुआ कि दोबारा जब रेडिश ब्राउन कलर कंबाइन हुआ तो हमारे पास एक स्टेज आ गई जो क्या थी कि कलरलेस गैस आ गई हमारे पास। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो है कौन सी इक्विलिब्रियम, कौन सी स्टेज पहुंचाएगी हमारे पास स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इनके जब हमारे पास हम लोग कह देते हैं कि जो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आफ्टर सम टाइम कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आफ्टर सम टाइम किस में कन्वर्ट होगी, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में। अगर हम लोग कंडीशन की बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम के, कब हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब हम लोग कह दें कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होगी, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कहाँ होगी, जब हम लोगों ने अपना जो सिस्टम है जहाँ पे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है तो वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। क्लोज सिस्टम होगा मीन जो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगी वो ज़ाया वगैरह नहीं होगी, वेस्ट वगैरह नहीं होगी, मीन सिस्टम से बाहर नहीं निकल के जाएगी। तो तब हम लोग कह देंगे कि एक कंडीशन ये है कि हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो सिस्टम की हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर प्रेशर वगैरह जो है ये सेम होने चाहिए, मीन के अगर टेम्परेचर हम लोग 25 ले रहे हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं, तो तब अगर इनकी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये सेम ही रहेंगी तो तब जाके हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होगी। अगर हम लोग बात करें कि एक दफ़ा हम लोगों ने थोड़ी सी कोई कंडीशन वगैरह क्या किया है डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या होगा कि किसी नए पॉइंट पे जाके दोबारा इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगी। तो हम लोग कह देते हैं कि एक दफ़ा अगर हम लोगों ने प्रेशर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, टेम्परेचर को अगर 25 था तो हमने 26 कर दिया, तो 26 टेम्परेचर पे जाके दोबारा क्या होगा कि अगर 26 टेम्परेचर पे रिएक्टर कंबाइन करते हैं तो दोबारा क्या होगा, प्रोडक्ट भी 26 टेम्परेचर पे कंबाइन करके हमें क्या दे देंगे, हमें रिएक्टेंट दे देंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास डायनामिक स्टेज होनी चाहिए, मीन के जो रिएक्शन है ये मूविंग फॉर्म में होनी चाहिए, रिएक्टेंट कंबाइन करें और प्रोडक्ट दें और प्रोडक्ट दोबारा डिकम्बाइन करें और हमें रिएक्टेंट दें। और लास्ट स्टेज आ जाएगी कि एंड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंड ऑफ रिएक्शन वो वाला पॉइंट होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो अगर मीन के रिएक्टेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन अब मजीद जो है वो डिक्रीज नहीं होगी, तो तब हम कह देंगे जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड हो गया है, अब रिएक्शन की जो लास्ट वाली स्टेज है वो पहुंच जाएगी।